बाबूजी के जाने के बाद अचानक भाई और भाभी बहुत अमीर हो गए थे, इसलिए बाबूजी के जाने के बाद सिर्फ माँ का स्नेह ही नीरू को वहाँ जाने के लिए मजबूर करता था। उसके पहुँच जाने पर भाभी का मुंह बन जाता था। एक बार जब वो वहाँ गई तो माँ के कमरे में ताला लगा देखकर, भाभी माँ कहाँ है? अभी खोजती हूँ, कई बार घर से निकल जाती है, फिर ढूंढते फिरो। बेटी कम से कम 2-3 महीने में एक चक्कर लगा जाया करो, एक ही शहर में रहते हुए भी महीनों बाद आती हो। माँ मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बहू मेरे जाने के बाद तुम पर अपना गुस्सा उतारे। तुम आ जाती हो तो बड़ी तसल्ली मिल जाती है, तुम्हारे बाबूजी थे तो इस घर में सबका आना जाना लगा रहता था, अब तो कोई झांकने भी नहीं आता। नीरू ने अपने बैग से चुपके से अचार की शीशी निकाली और माँ को पकड़ा दी। जैसे ही माँ की नजर अचार पर पड़ी, उनकी आंखों में चमक आ गई थी और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ की आंखों से गिरे हुए आंसू उसने अपने आंचल से पोंछ दिए। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि वो आंसू हीरे में बदल गए। माँ ये क्या है? ये तो हीरे है। क्या सच कह रही है तू? मुझे तो आंखों से कम दिखता है। माँ तुम्हारी चादर कौन बदलता है? वो तो बहू ही करती है, मेरे कमरे में किसी को भी आने नहीं दिया जाता, बाहर से ताला लगा रहता है। माँ ये ताला कब से लगता है? जब से आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। माँ इस बार तुम मेरे साथ चलो। भाई से पूछ लेना, ये लोग कहीं नहीं जाने देंगे। आहट सुनकर बाहर गई तो देखा नीलम भाभी हाथ में चाय लेकर खड़ी थी। मुझे तो लगता है ये अम्मा को अपने साथ ले जाने आई है, अगर अम्मा चली गई तो उनकी आंखों से गिरने वाले आंसुओं का राज सबको पता चल जाएगा। दूसरे दिन सुबह माँ का नाश्ता उनके कमरे में ही पहुँच गया। माँ तुम भी चलो हमारे साथ ही नाश्ता करना, उसने उनकी प्लेट लाकर टेबल पर रख दी। नहीं बेटा मैं वहाँ नहीं खाती, यही जमीन पर ही दे दो मेरा नाश्ता, गिर जाएगा तो टेबल गंदा हो जाएगा। इतने नौकर चाकर हैं घर में, तुम सिर्फ इसलिए नीचे खाती हो कि टेबल गंदा हो जाएगा? चलो मैं भी जमीन पर ही खाऊंगी। उसने अपनी माँ के साथ ही अपनी प्लेट भी रख दी। भाई तैयार होकर आया तो उसने कहा, नीरू तुम जमीन पर क्यों बैठ गई? ऐसे ही माँ के पास बैठ गई, तुम लोग खाओ। भाई मैं कुछ महीनों के लिए माँ को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, मेरे बच्चे भी नानी के हाथ का अचार बढ़िया और लड्डू खा लेंगे। माँ के हाथ का अचार कितना मशहूर था, अड़ोस पड़ोस वाले भी माँ से ही अचार डलवाते थे। कुछ दिनों के लिए ही क्यों, हमेशा के लिए ले जाओ, तुम्हारी भी तो माँ है। कैसी बातें करते हैं, अम्मा अब कहीं नहीं जाएंगी, जिसको मिलना है वो यहीं आकर मिल लेगा। ठीक है फिर मैं ही रुक जाती हूँ। उसकी समझ में आ गया था कि अगर माँ दूसरी जगह चली गई तो इन्हें हीरे कैसे मिलेंगे। माँ के साथ उनके कमरे में आकर रोते हुए, माँ तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बेटी जो 2 रोटी मिल रही है वो भी बंद हो जाएगी। तुम्हारे पेंशन के पैसे किसके पास रहते हैं? पीछे से नीलम आकर कहती है, दीदी पेंशन से अधिक तो अम्मा की दवाइयों पर खर्च हो जाता है, पेट इतना हल्का है कि कुछ पचता ही नहीं, चटोरापन ऐसा है कि बच्चों से रसोई में से मंगवा कर खा लेती हैं। नीलम चली गई। माँ तुम्हें क्या खाना है बोलो, मैं बना कर लाती हूँ। रहने दो बेटी, क्यों जहमत मोल लेती हो, तुम तो चली जाओगी, मुझे इनके साथ ही रहना है। नहीं माँ तुम बताओ ना, जो खाना है मैं बाजार से ले आऊंगी। ठीक है जाओ मेरे लिए कचौरियाँ और जलेबी ले आना, साथ में चटनी भी ले आना। नीरू बाहर गई, गाड़ी में बैठकर बाजार गई और माँ के लिए कचौड़ियाँ और जलेबी अपनी पर्स में छुपा कर ले आई। माँ को अपने हाथों से खिलाती जा रही थी और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। माँ के चेहरे की तृप्ति देखकर उसके दिल को ठंडक मिल गई। नीरू बेटी बीच बीच में आ जाया करो, सच कहूँ तो अब जीने की इच्छा भी नहीं बची है। नीरू ने माँ का बिस्तर झाड़ कर साफ कर दिया, माँ के सिर में तेल लगाकर कंघी कर दी, फिर बहुत देर तक बातें करती रही। माँ मैं भाभी से कहती हूँ एक काम वाली रख दे, तुम्हारे कपड़े तो धो दिया करेगी वो। तभी नीलम की कर्कश आवाज आई, दीदी आपको क्या लगता है, अभी मैं चाहूँ तो काम वालियों की यहाँ से वहाँ तक लाइन लगा दूँ, पर लगभग रोज ही अम्मा का कपड़ा गंदा हो जाता है।
नीरू चुपचाप सुनती रही। समझ गई थी कि काम वाली हीरो का राज जान जाएगी, इसलिए नहीं रखा है। कुछ बोल नहीं पाई। माँ उठकर बाथरूम गई तो अपने कमरे में इंडियन बाथरूम में ही गई। माँ उधर क्यों नहीं जाती? इतनी जिद करके तुमने दूसरा बाथरूम बनवाया था कि बुढ़ापे में आराम रहेगा। दीदी आप तो 4 दिन के लिए आई है, यहाँ रहे तो पता चले। अम्मा पूरा बाथरूम खराब कर देती हैं, इसीलिए वही बाथरूम उनका है, जाने दीजिए उनको वहाँ। भाभी वो वॉशरूम तो उनके लिए वही सही है। माँ आ गई थी। नीरू बहुत बेचैन हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। शाम को जैसे ही भाई आया, भाई तुम तो माँ के अपने हो ना, तुम्हें आने में देर होती थी तो माँ खाना नहीं खाती थी, बाबूजी के कुछ कहने पर नाराज हो जाती थी, कभी तो तुम उनका ध्यान रख लिया करो। तुम्हें क्या लगता है हम अम्मा का ख्याल नहीं रखते, उनको खाना दवाइयाँ नहीं देते? अम्मा का दिमाग खराब हो गया है, उनके लिए कोई कितना भी कर दे पर वो हमेशा कुड़ती ही रहती हैं। वो तो मैं भी देख रही हूँ। खैर मैं कल जा रही हूँ, माँ की तबीयत खराब हुआ करे तो मुझे खबर दे दिया करो। भाई अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन ही नीरू वापस चली गई। 1 महीने बाद ही खबर आई कि माँ अस्पताल में है। वो तुरंत अस्पताल पहुँची। माँ का शरीर बिस्तर में लगा हुआ था। माँ आंखें खोलो, मैं आ गई, देखो तुम्हारी बेटी आ गई, नीरू। माँ उठो ना। एक बार उन्होंने पलके झपकाई, फिर आंखें खोल दी। आंखों से आंसू बहने लगे थे। नीरू ने आंसू पोंछ दिए, हीरे उठाकर रख लिए। माँ क्या तकलीफ है? माँ ने पेट सहलाते हुए बताया। भूख लगी है, कुछ खिला दो। उसने जैसे ही माँ के मुंह में अपने साथ लाई रोटी का पहला निवाला डाला, माँ की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। थोड़ी ही देर में वो चीर निंद्रा में लीन हो गई थी। डॉक्टर, नर्स, देखिए ना, माँ कुछ बोल नहीं रही है। डॉक्टर ने आकर देखा और चेहरा ढक दिया। नीरू चुपचाप आंसू बहाती रही। उस दिन उनकी 13वीं थी। घर में चारों तरफ व्यंजनों की खुशबू फैली थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। ये सारे व्यंजन दूसरे लोग खाकर चले जाएंगे, पर मेरी माँ तो भूखी ही चली गई। उनकी आंखों से गिरे हीरे की कमाई पर ये ठाट बाट है। वो बेचारी खाने को तरस गई थी। उसने एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला और उठकर अपने घर चली गई, अब कभी नहीं आने के लिए। माँ की छाया ही नहीं रही, जिसकी छाँव में उसने कितने साल गुजार दिए थे। सुंदर सोसाइटी दूर दूर तक फेमस थी। कारण थी सुगंधा भाभी। जैसा नाम वैसी पर्सनालिटी, जहाँ से गुजर जाए सुगंध फैला देती थी। एक दिन, अरे क्या है ये, समझ ही नहीं आता क्यों सोसाइटी वाले आए दिन हमारे घर में ही किसी ना किसी बहाने से आते रहते हैं। जब पता है बेटा दिन में काम पर जाता है तो शाम को क्यों नहीं आते? अरे जब घर में चमकता सोना रखोगी तो चमक तो दूर दूर तक जाएगी ना। माँ जी वो मुझे देखने आते हैं। वो क्या है ना, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। पोछा लगा पोछा। अरे तू इतनी भी चमकीली नहीं जितनी मैं हुआ करती थी अपने वक्त पर। अरे तेरे ससुर जी तो बाहर से ताला लगा कर जाते थे दफ्तर कि कोई उनके हीरे जैसी बीवी की चमक ना देख ले, समझी? तभी घर की डोरबेल बजती है। हो गया तो आगे भी बोल दो। वो भाभी जी की स्मेल तो आ रही है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही हैं। बेटा हमें ही बता दे क्या काम है, अच्छा खासा आदमी है तू, मैं भी तेरी माँ जैसी हूँ, काम तो मैं भी कर लूंगी तेरा। तभी वहाँ पीछे से सुगंधा आ जाती है। अरे आप कैसे आना हुआ, मैं तो सोच ही रही थी आपके बारे में। अरे आपने हमारे बारे में सोचा यही बहुत है, वैसे क्या सोचा था भाभी जी ये भी बता दो। अरे वो आप तो जानते हैं, सारा दिन ये ऑफिस में रहते हैं। जी जी जी, आगे क्या मतलब, तो आप क्या कहना चाहती हैं? खुलकर बताइए ना। वो क्या है ना, सास सामने खड़ी होती है और बहू की हरकतें देख रही होती है। वो घर का काम तो मैं कर लेती हूँ
लेकिन बाहर के काम के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। अब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? सास समझ जाती है कि बहू क्या कहना चाहती है। वो अंदर जाकर अपनी दवाई का खाली पत्ता ले आती है और पैसे पुनीत को देते हुए कहती है, वो ये दवाई खत्म हो गई है, बेटा जरा बाजार से ले आओगे? पुनीत सुगंधा की तरफ ऐसे देखता है जैसे कि वो चाहता है कि सुगंधा खुद उसे अपनी प्यारी सी आवाज में कहे, प्लीज ले आइए ना। हाँ हाँ, आप तब तक ये कटोरी पकड़िए, मैं ना यहाँ चीनी लेने आया था, घर में खत्म हो गई है। मैं अभी कटोरी भर देती हूँ। हाँ, तब तक मैं जल्दी से जाकर आंटी जी की दवा ले आता हूँ। पुनीत दवा लेने जाता है, इधर सास सुगंधा से कहती है, तू तो बड़ी चालाक निकली, कैसे लोगों से काम करवाना है तुझे बड़ा पता है। वाह मम्मी जी, मैं तो अभी बात ही कर रही थी, समझा ही रही थी पुनीत भाई साहब को। अंदर से भागकर खाली दवा का पत्ता और पैसे तो आप ले आई थी, कैसे बात कर रही हैं? आप भी कम नहीं है। हाँ, तभी वहाँ पुनीत हाँफता हुआ पहुँच जाता है। ओ, लिफ्ट नहीं चल रही थी तो सीढ़ियों से आया हूँ, ये लीजिए आंटी जी आपकी दवाई, खा लीजिए वक्त पर, आप सबकी बहुत चिंता रहती है मुझे। अरे सुगंधा, पानी पिला पुनीत को, देख कैसे हाँफ रहा है। और हाँ, वो चीनी की कटोरी के साथ थोड़ा दूध भी दे देना कप में, वो आज नाग पंचमी है ना। कितनी भली है आप आंटी जी, वो तो घर में चीनी खत्म हो गई, बीवी को चाय पीने की तलब हो रही थी, मैंने कहा भाभी जी तो अपनी ही है, मैं ले आता हूँ चीनी, क्यों? ये लीजिए, वैसे बुरा ना मानना, नीचे गए थे हमारे लिए दवाई लेने तो खुद के लिए चीनी भी ले आते। क्यों? हाँ भाभी जी सही बोल रही हैं, ख्याल ही नहीं रहा। पुनीत के जाने के बाद सुगंधा सास से, अच्छा माँ जी मैं पार्लर जा रही हूँ, 2 घंटे बाद आऊंगी, भूख लगे तो फोन कर दीजिए, मैं कुछ ले आऊंगी। हाँ जा जा, सारा दिन कौन सा तू मुझे पकवान तल के देती है, जब से आई है बाहर का खा खा कर घर का खाना अब अच्छा कहाँ लगता है तुझे। सुगंधा बाहर निकलती है कि उसे तेज धूप लगने लगती है। हे भगवान, इतनी तेज धूप, मैं तो पार्लर जाने से पहले ही काली हो जाऊंगी, कोई कैब कोई रिक्शा दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा। एक काम करती हूँ, घर वापस चली जाती हूँ, फिर कभी आ जाऊंगी पार्लर। जैसे ही सुगंधा घर वापस जाने के लिए मुड़ती है, सामने उसे लंबी काली चमचमाती कार में कर्णव आता दिखाई देता है। सुगंधा मन ही मन सोचती है, मिल गया बकरा। कर्णव अपनी कार सुगंधा के सामने आकर रोक देता है। हैं, भाभी जी कहाँ जा रही हैं? मैं भी उसी तरफ जा रहा था जिस तरफ आप जा रही हैं। अरे आपको कैसे पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ? वैसे जाना तो था, पर इतनी धूप और कोई रिक्शा या कैब भी दिखाई नहीं दे रही है तो। अरे भाभी जी कैसी बात कर दी आपने, मेरी कार बेकार है अगर आप नहीं बैठती हैं इसमें तो। ओह शुक्रिया, लेकिन मुझे थोड़ा दूर जाना है, आप रहने दीजिए। कैसी बात कर दी भाभी जी, हम कौन सा पास तक के लिए चाहते हैं? हैं? मतलब मैं दूर ही जा रहा हूँ, प्लीज आइए। सुगंधा आराम से कार में बैठ जाती है और पति को फोन करती है। सुगंधा पूरे रास्ते पति से बात करती हुई पार्लर जाती है और वहाँ उतरकर, जी आपके साथ तो रास्ते का पता ही नहीं चला। जी मुझे भी, वैसे मैं यही हूँ इसी एरिया में, आप चाहें तो निकल कर कॉल कर लेना, मैं घर जाऊँगा तो साथ ही चलेंगे, वो बीच में कल्लू की कॉफी भी पी लेंगे, क्या कहती हैं? जरूर जरूर, कितने स्वीट हैं आप, लेकिन वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड के वापस आने का टाइम हो गया है तो वो बोल रहे थे कि मुझे पिक कर लेंगे, पर प्लीज डोंट माइंड, मेरा तो बाहर आना जाना लगा ही रहता है। ऐसे ही सोसाइटी के कई और लोग सुगंधा के पीछे लगे रहते, लेकिन एक रोज सभी आदमियों के पास सुगंधा का एक जैसा मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, आपने मेरा हमेशा बहुत ख्याल रखा,
मैं भी बदले में आज आपको कुछ देना चाहती हूँ। आपका स्वागत करने के लिए घर में 2 बजे का वक्त रखा है, जरूर आना। बस अब क्या था, जिस जिस के पास मैसेज पहुँचा वो सभी खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। अरे आओ आओ, आप सभी को सुगंधा का मैसेज मिल गया। लो बैठो, पानी पी लो, वो आ ही रही है। अरे पुनीत, तू भी यहाँ कैसे? वैसे ही बेटा जैसे तुम। सभी तय समय पर सज धज कर सुगंधा के घर आ जाते हैं। सभी एक दूसरे को देखकर हैरान हो रहे थे। तभी सुगंधा हाथ में राखी की थाली लेकर आती है। आप सभी को पता ही है कि आज रक्षाबंधन है। अब मैं एक एक करके तो किसी के घर नहीं जा पाती, तो सोचा आप सभी को ही घर बुला लूं। क्यों? सामने से चमकीली भाभी के हाथ में राखी देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और सारे वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं।